हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बटरफ्लाई बैटर टू फ्लाई। हाय आई एम जेनी और आज मैं आप लोग के सामने कद्दू के पत्ते की रेसिपी लाने वाली हूँ। ये है कद्दू के लीव्स, जो लाल कद्दू होते हैं ना उसका पत्ता, ठीक है, जो मोटा वाला नहीं, जो फ्रेश जो लीव्स होते हैं ना उसको तोड़ लेना है। तो उसके ये डंठल को हम सफाई करेंगे। किस तरह से सफाई करेंगे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह से लेना है, ये जो रस्सी जैसे निकाला है ना, हाँ इस तरह से उसको सफाई करना है इस टाइप। तो चलिए अब मैं इसे धो के काटती हूँ। मैंने इसे धो लिया है, अब इसे मैं बारीकी से काट लेती हूँ। मैंने ये रेसिपी बहुत ही सिंपल वे में बनाया है, इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डालना। आप डाल सकते हो अपने ऊपर है, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल वे में इस रेसिपी को बनाती हूँ। इसमें मैं सिर्फ लहसुन, वो भी थोड़ा सा, एक दो लहसुन की कलियाँ मैं देती हूँ, और सूखी मिर्च, बस इस प्रकार ही मैं बनाती हूँ। इसे आप चॉप कर लीजिएगा, फाइन चॉप्ड। मैंने चॉप कर लिया। फाइनली मैं ये चॉप करके मैंने रखा है, मैंने बारीकी से इसे काटा है, और आलू भी मैंने काट के रखा हुआ है इस प्रकार से। और यहाँ मैं सूखे मिर्च दो लेने वाली हूँ, और ये दो लहसुन की कलियाँ, इसे मैं छोटे छोटे पीसेस में काट लेती हूँ इस प्रकार, और उसे मैं स्मैच करती हूँ। इस प्रकार मैंने स्मैच कर लिया। मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है, तेल गरम हो चुका है, मैं अभी सूखे मिर्च डाल देती हूँ। उसके बाद मैं लहसुन की कलियाँ जो मैंने स्मैच करके रखा हुआ है वो मैं डाल दूँगी। इसे थोड़ा, लहसुन को थोड़ा रंग बदलने तक मैं रखती हूँ। अभी थोड़ा ब्राउनिश कलर में अगर आ जाए इसके बाद मैं आलू डाल दूँगी। ये थोड़ा कलर चेंज हो गया लहसुन का, अब मैं आलू डाल रही हूँ। अब मैं नमक डाल दूंगी स्वाद के अनुसार। हल्दी, अब इसे आलू को फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। इसे ढक्कन लगा के हम छोड़ देंगे। अभी आलू हाफ पक चुका है अभी, तो अब मैं कद्दू के जो पत्ते होते हैं वो मैं डाल रही हूँ। कद्दू का साग ये पूरी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब पूरा मिक्स हो चुका है, इसे मैं ढक देती हूँ पकने के लिए। खोल के देखती हूँ, अब मैं थोड़ा सा, हल्का सा थोड़ा पानी यहाँ डालूँगी ताकि ज़्यादा ड्राई ना हो। अब फिर मैं इसे ढक्कन लगा के रख देती हूँ, और ये मेरी सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। कद्दू के पत्ते की सब्जी, कद्दू का साग,
आप बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी है। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।